हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और माता रानी आप सब लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप सब लोगों ने ज्वाला माता की ज्योत के दर्शन किए हैं और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम सारे मंदिरों में जाकर दर्शन कर सकें, क्योंकि एक तो सर्दियों के दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं और हम घर से भी लेट आए थे थोड़ा, और अभी हमें बाल भी लेने थे भतीजों के, तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था। और बस हमने ज्वाला माता की ज्योत के दर्शन किए और उसके बाद हम आ गए थे बाहर, और उसके बाद हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे कि बाल कहाँ लिए जाते हैं, क्योंकि उसके बाल की मन्नत यहाँ की थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने, सब ने तो नहीं सुना होगा शायद, लेकिन कुछ लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे बाल की मन्नत रखी जाती है। जिनके बेटा नहीं होता वो लोग मन्नत करते हैं कि उनके बेटा हो जाए तो उसके बाल वो माता रानी को अर्पण करेंगे, और बहुत सारे लोगों की इच्छाएं यहाँ पे पूरी होती हैं और वो लोग आते हैं यहाँ पे बाल अर्पित करने के लिए माता को। तो देखिए, हम लोग भी अभी आए हैं। बंद करो। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं अभी बाल कटवाने भतीजों के। और जब मैं 20 साल पहले अपनी बड़ी वाली बेटी के बाल लेने यहाँ पर आई थी तो बहुत कुछ यहाँ पे अलग था और अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो ये देखिए, ये रूम है एक, और पहले ना बाहर ही बाल लिए जाते थे बच्चों के, और अब तो ये रूम है और यहाँ पर पंडित जी बैठते हैं और यहाँ पर वो बाल काटते हैं। तो हम आ गए हैं अभी नीचे, और ये देखिए, ये पंडित जी यहाँ पे बाल काटेंगे। तो मम्मी अभी कपड़े खुलवा रहे हैं इसके, क्योंकि बाल से सारे ख़राब हो जाते हैं फिर तो, और जो पुराने कपड़े पहने होते हैं बच्चों ने वो उनको खुलवा के यहीं छोड़ देते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं नहला के। और फ्रेंड्स ये देखिए, पहली लट जो इन्होंने काटी है इसको अखबार में लपेट के दे दिया हमारे पास, और ये लट जो है माता को चढ़ेगी। तो ये माता को चढ़ाने जा रहे हैं भाई भाभी, और इसके बाल पूरे साफ़ करने हैं अभी, तो ये मशीन लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको बुखार भी था और ठंड भी थी, सारे कपड़े इसके खुला दिए थे तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। और वैसे भी सारे बच्चे ऐसे ही रोते हैं, क्योंकि जो मशीन लगती है ना तो इससे डर लगता है बच्चों को, थोड़ा डर जाते हैं बच्चे तो ऐसे ही रोते हैं। और अभी हमारे पीछे एक और भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपने बच्चे के बाल कटवाने। और इसको ना पता लग गया है कि मेरे बाल काट दिए हैं, और देखिए कैसे देख रहा है ये नीचे कि कितने बाल काट दिए मेरे। और घर से बड़ा तैयार होके आया था कि मैं गंजू बनूंगा, और यहाँ इसने रो रो के बुरे हाल कर दिए। और फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे बाद एक और भी आए हैं, और इनका बच्चा तो बहुत ही छोटा है और ये भी इतना ही ज़्यादा रो रहा है। तो बच्चे ना डर जाते हैं इस मशीन से, तो इसलिए रोना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए, इसके भी पूरे बाल काट दिए हैं। तो
इसको हमने कपड़े पहना दिए थे, अभी नहलाया नहीं था क्योंकि इसको बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए हमने सिर्फ कपड़े चेंज करवाए। और देखिए अब हम आ गए हैं नीचे शॉप पे, यहाँ पे हमने शूज़ खोल के रखे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं उन्होंने कैबिन बनाए गए हैं शूज़ के लिए, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि यहीं से आप प्रसाद भी लो और शूज़ भी खोल के यहीं पर रख दो, और जब आप वापस आओगे दर्शन करके तो यहीं से शूज़ पहनो और गाड़ी में बैठ जाओ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और चल पड़े हैं वापस, और सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो अभी सब लोग देख रहे हैं कहीं पे खाने के लिए कोई अच्छा अच्छी सी जगह मिल जाए। और वैसे तो कई ढाबे होटल आ रहे थे रास्ते में, लेकिन वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी, तो यहाँ पे हमें जगह मिली है गाड़ी खड़ी करने के लिए, खुला स्पेस है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं खाना खाने, और यहाँ पे हमने स्पेशल थाली का ऑर्डर कर दिया है सबके लिए। तो देखिए अभी जब तक स्पेशल थाली आती है, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वेटिंग में है सब कि कब जैसे खाना आए और हम खाने पे टूट पड़े। तो मेरी जो चाची हैं, उनकी बड़ी वाली चाची जो है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो उन्होंने खाना नहीं खाया सिर्फ, बाकी सब ने खा लिया था। हम लोग चाची को बोल रहे थे कि आप खाना नहीं खाना चाहते तो जो भी खाने का मन कर रहा है वो खा लो या चाय पी लो, बट उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था कि मुझे वोमिटिंग हो जाती है अगर मैं कुछ भी खाती हूँ। दीवार पे देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग कर रखी है यहाँ पे। अरे ये देखिए बच्चे दोनों ये अम्मा के पास ही बैठे हुए हैं, ये मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं देखते कि मम्मी कहाँ है, ढूंढते नहीं बिल्कुल नहीं मम्मी को, बस अम्मा चाहिए इनको दोनों को, एक एक साइड बैठा है एक एक साइड, और इन्होंने खाना भी अम्मा के साथ ही खाया। तो फ्रेंड्स सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है और सबको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो सब लोग इंतज़ार में है कि कब जैसे खाना आए और हम सब लोग टूट पड़े उस पर, तो वेट कर रहे हैं अभी खाने का। ये देखिए खाना आ चुका है, और ये है थाली, स्पेशल थाली। तो इसमें है राइस, कढ़ी, पनीर और एक दाल, और साथ में इसमें आलू गोभी की सूखी सब्जी है, और साथ में है तंदूरी चपाती। तो देखिए सब लोग टूट पड़े हैं खाने पे बुरी तरह से। तो फ्रेंड्स खाना बहुत ही टेस्टी है और सब लोगों ने अपनी अपनी थाली खाली कर ली है। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमें घर पहुंचना है और टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो अब हम यहाँ से सीधे निकलेंगे और घर के लिए। तो उसके बाद हम बीच में एक जगह रुके चाय पीने के लिए, बट वहाँ पे बहुत अंधेरा हो चुका था और फिर बीच में फ़ोन आ गया था तो इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं ले पाई। यहाँ से जब हम खाना खा के निकले तो उसके बाद हम भराड़ी घाट से पीछे एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे, लेकिन वहाँ पे फ़ोन आ गया था अंचल का तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाई वहाँ की। और वैसे भी अंधेरा हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो सारे लोग सोए हुए थे और कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। फ्रेंड्स आप लोगों को ज्वाला माँ के दर्शन करके कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।